हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोट ऑन फील लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास अल्ट्रा सिम का एक वीडियोकॉन कंपनी का एक टीवी है। ये 21 इंच का है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है पहले देख लेते हैं। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, पावर इंडिकेटर हमारा ब्लिंकिंग करते रहता है और टीवी स्टार्टिंग नहीं हो पाता है। अब जब मेरा टीवी का इंडिकेटर स्टैंड है तो इसको ऑन करके देखूँगा। ऑन करने के बाद कैसे आ रहा है वो देखेंगे दोस्तों। इसको स्टैंड बाय से रीच करने के लिए चैनल जो प्लस बटन होता है उसको दबा देंगे तो पावर हमारा बंद हो जाएगा, तो हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाएगा। स्टार्टिंग होने के बाद जो स्टैंड बाय से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद कैसे हमारा पिक्चर है वो देख लेंगे, क्योंकि टीवी का पिक्चर नहीं आ रहा है। कस्टमर का कॉम्प्लेन था जो हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। और मैं जब टीवी को पहले चेक किया था तो हमारा जो ए वाला इंडिकेटर है, इंडिकेटर ब्लिंकिंग करते रहता है और दिप दिप करके ब्लिंकिंग करता है। और उसके बाद जब मैंने इसको ओपन करके चेक किया तो हमारा पावर सेक्शन का कैपेसिटर थोड़ा सा ख़राब निकला था, उसको मैंने देखा। और उसके बाद जब मैंने पावर दिया तो हमारा पावर इंडिकेटर स्टैंड हो गया था। और स्टैंड होने के बाद मैंने जब चैनल प्लस को दबा के टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया तो देखिए हमारा ए वाला हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या हुआ, हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है। जो आउटपुट सेक्शन कहा जाता है, जो ईएसटी सेक्शन कहा जाता है, उसको हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहा जाता है। वो वाला सेक्शन पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए कस्टमर ने टीवी को ऑन करने के बाद पिक्चर नहीं दिख रहा था। और थोड़ी ये अल्ट्रा सिम का टीवी है इसीलिए थोड़ी देर के बाद ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो आ गया है, इसको कैसे रिपेयर करते हैं उसको देखने के लिए पहले वीडियो को लास्ट तक तो देखते रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। और पावर ब्लिंकिंग इंडिकेटर, पावर ब्लिंकिंग क्यों हो रहा था वो भी बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, मैं टीवी को घुमा लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को घुमा चुका हूँ। घुमाने के बाद एरा हमारा 21 इंच का हमारा अल्ट्रा सिम का ट्यूब है। इसका यॉक कॉयल, एरा बेस पीसीबी और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। ये जो मेन पीसीबी है दोस्तों, ये हमारा सैमसंग वीडियोकॉन और हमारा अभी का जो हमारा फिलिप्स आ रहा है उस पर ये मॉडल का पीसीबी यूज किया जाता है। और दोस्तों ये वाला जो हमारा पीसीबी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, एक तो हमारा पावर सेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, वो पावर इंडिकेटर ब्लिंकिंग कर रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी देख लेंगे। पहले तो वो वाला प्रॉब्लम को देखने के लिए पीसीबी को पलट लेता हूँ। दोस्तों जो हमारा पावर ब्लिंकिंग हो रहा था और इंडिकेटर ब्लिंकिंग हो रहा था, मतलब हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज बनना चाहिए वो वाला वोल्टेज सही तरीके से बन नहीं रहा था। और मैंने जब ये वाला कैपेसिटर को देखा तो मुझे पता चला ये वाला कैपेसिटर ख़राब है। ये वाला जो हमारा 110 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है वो वाला कैपेसिटर ख़राब है, इसीलिए इसको नया वाला लगा लेते हैं। लगाने के बाद आगे वाला जो प्रॉब्लम है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो अप डाउन का जो लाइन आ रहा है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है। ये वाला हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो ईएसटी से हमारा हाई सिंक को कंट्रोल करता है और हमारे पिक्चर को अपर और डाउन साइड पे जो लाइन आ रहा है लेफ्ट राइट का पिक्चर बनाता है, वो वाला प्रॉब्लम यही साइड का जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है इस पे आता है। ठीक है, पहले तो हमारा पावर सेक्शन का कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ये वाला कैपेसिटर को मैंने ओपन कर चुका हूँ और अपर साइड से थोड़ा सा फूल गया है देखिए। और मैं नीचे साइड से जब देखा तो इसका लिक्विड अंदर से गल के आ गया है। और ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इसीलिए कैपेसिटर जो काम करना चाहिए, जो कैपेसिटर वोल्टेज को स्टॉक करना चाहिए था, वो वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वाला कैपेसिटर को चेंज करना जरूरी है। देखिए ये वाला लेक तो सही है दिख रहा है, लेकिन ये दूसरा लेक हमारा थोड़ा सा डस्ट पड़ गया है। और डस्ट पड़ना मतलब अंदर से लिक्विड लीकेज हो गया है। और उसके बाद दोस्तों इसका बदले में ये वाला जो कैपेसिटर था, इसका नंबर था 100 UF का 160 वोल्ट कैपेसिटर था। मैंने यही नया वाला कैपेसिटर लगाऊंगा, वही 100 UF का 160 वोल्ट का। इसको लगा लेते हैं, इस पर कनेक्ट कर लेते हैं।
दोस्तों मैंने जो 110 वोल्ट का जो कैपेसिटर था उसको मैंने चेंज करके 160 वोल्ट का कैपेसिटर इसको लगा चुका हूँ। ये पुराना वाला कैपेसिटर था, नया वाला कैपेसिटर लगा चुका हूँ। और उसके बाद फिर से टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद चेक करेंगे जो हमारा सिस्टम पे प्रॉब्लम था, जो ब्लिंकिंग वाला प्रॉब्लम था वो तो नहीं, वो तो सॉल्व हो गया है क्योंकि हमारा कैपेसिटर ही ख़राब था। और उसके बाद देखेंगे हमारा जो वोल्टेज रिलेटेड, थोड़ा सा वोल्टेज देख लेते हैं क्योंकि ये वोल्टेज ही सब कुछ होता है हमारा सिस्टम पे, जो नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। इसीलिए पहले तो चेक करेंगे हमारा 110 वोल्ट का जो दिख रहा है हमारा 47 वोल्ट, वो बोल ये वाला वोल्टेज क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज नहीं किया। तो ये वाला जो हमारा की क्यूएट का जो पॉइंट है वो पॉइंट को मैंने टच कर दूंगा, और टच कर देने के बाद हमारे सिस्टम पे वोल्टेज आ जाएगा। थोड़ा सा स्पार्किंग हो गया क्योंकि ये वाला कैपेसिटर हमारा कनेक्शन हो गया था, वो थोड़ी छोड़िए। उसके बाद देखेंगे ये वाला वोल्टेज क्यों 46 बात आ रहा है। उसके बाद इसको टच कर देते हैं, और टच कर देने के बाद ये हमारा 110 वोल्ट बनेगा, 150 वोल्ट बन रहा है। और बनने के बाद हमारा ESD पे चेक करेंगे, जो हमारा ESD इनपुट होता है, ESD इनपुट पे हमारा वोल्टेज मिलेगा 14 वोल्ट। और ये जो हमारा 180 वोल्ट का जो पॉइंट है, जो हमारा बेस पीसीबी को कनेक्शन है, जो वोल्टेज दिया जाता है वो वाला पॉइंट पे चेक करेंगे। देखिए ये वाला 180 वोल्ट पे दिख रहा है 142, मतलब हमारा वोल्टेज कम है क्योंकि हमारा हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है, मतलब हमारा जो हाई सेंस, जो हाई सिंक बोला जाता है, वो हाई सिंक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए ही हमारा टीवी पे जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन, जो अप और डाउन पे एक लाइन आ रहा है, वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए हॉरिजेंटल सेक्शन को चेक करना ज़रूरी है। एक तो पहले चेक कर लेंगे हमारा जो ये वाला जो कॉयल है, ये कॉयल कभी कभी के क्या होता है, हमारा डस्ट पड़ जाता है, और ये कॉपर का नहीं कॉयल होता है, ये हमारा एनुमिलियम का कॉयल होता है। और ये कॉयल कभी कभी क्या होता है, डस्ट पड़ के काट जाता है, और काटने के बाद ही हमारा ये वाला प्रॉब्लम देता है। लेकिन इस पे चेक कर लेते हैं, ये हमारा 114 वोल्ट दिख रहा है। और दूसरा पॉइंट पे भी चेक करेंगे, इस पे भी 114 वोल्ट दिख रहा है, मतलब हमारा ये वाला कॉयल जो प्रॉब्लम बता रहा था, ये वाला कॉयल प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कुछ सेक्शन होता है, ये हमारा अल्ट्रा सिम का टीवी है, अल्ट्रा सिम टीवी पे हमारा कुछ कैपेसिटर लगा रहता है, जो PF बोला जाता है, और इस पे हमारा 3 PF लगाया गया है। एक तो हमारा हाई सिंक के लिए हमारा 2000 वोल्ट का, हमारा 1600 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है, जो PF बोला जाता है, और ये हमारा 1600 वोल्ट का PF है। और उसके बाद एक PF लगा रहता है, ये हमारा देखिए 250 वोल्ट का कैपेसिटर, जो 194 250 वोल्ट का। और एक कैपेसिटर लगा रहता है जो PF बोला जाता है, ये PF हमारा थोड़ा सा देखिए ये क्रैक हो चुका है, ये देखिए साइड से क्रैक हो चुका है। इसको ओपन करके दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा, ये हमारा होता है 400 वोल्ट का, ये वाला 400 वोल्ट का जो PF है, ये PF हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए जो हॉरिजेंटल सेक्शन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हाई सिंक तैयार नहीं हो पा रहा है, और हमारा जो 180 वोल्ट होता है वो 180 वोल्ट भी पूरी तरह से नहीं बन रहा है। एक तो दोस्तों ये तो बता दिया मेरा ये वाला कैपेसिटर ख़राब था, PF ख़राब था, लेकिन फिर भी एक चीज़ होता है, हमारा ये हॉरिजेंटल लाइन होता है, तो हमारा ये वाला जो योक कॉयल होता है, ये कॉयल पे जो हमारा हॉरिजेंटल कॉयल जो वायर कनेक्टेड है, ये वाला कॉयल हमारा ओपन हो जाता है। ओपन होने के मतलब क्या होगा, हमारा पूरा हॉरिजेंटल सेक्शन ही बंद हो जाएगा। इसीलिए ये वाला कॉयल को भी चेक करना ज़रूरी होता है। ये जो टैग पे हमारा पॉइंट किया गया है, उसको ओपन करके ही, टैग को ओपन करके ही इसको चेक कर लेना, क्योंकि लगा के रहेगा तो ये वाला सिस्टम पे चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसको खोल के ही इसको ओम्स पे, मीटर पे, ओम्स बाजार पे रख के तो इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा था, ये वाला जो PF है, ये तो पहले तो हमारा 2000 वोल्ट का जो हमारा PF है, ये वाला PF सही है, और हमारा 250 वोल्ट का भी PF सही है, लेकिन ये 400 वोल्ट का जो PF था वो PF हमारा क्रैक हो चुका है। इसलिए मैंने ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ।
दोस्तों मैंने ये वाला जो पीएफ था, 3 नंबर जो पीएफ था, वो वाला पीएफ को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये वाला पीएफ हमारा, ये हमारा 400 वोल्ट का पीएफ है, और देखिए ये साइड से एक क्रैक हो चुका है, मतलब ये हमारा अंदर से ख़राब हो चुका है। और ये ख़राब होने के कारण ही हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने एक नया वाला पीएफ लिया हूँ, और इसका नया वाला पीएफ लेने के बाद इस पर कनेक्ट कर दूँगा। दोस्तों मैंने ए पी एफ को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद फिर से टीवी को पावर दूंगा। जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम रह गया था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे दिया, और पावर देने के बाद इस पर वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए देखिए 47 वोल्ट बता रहा है। इसके बाद मैंने इसको स्टार्टिंग कर दिया, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन, सॉरी दोस्तों, जो हमारा स्टार्टिंग होता है, जो स्टैंड बाई रिलीज करना होता है, रिलीज कर दिया। और रिलीज कर देने के बाद इस पे हमारा वोल्टेज आ गया हमारा 114 वोल्ट। और 114 वोल्ट आने के बाद जो हमारा पीएफ लगा दिया, नया वाला पीएफ, और लगाने के बाद हॉरिजॉन्टल सेक्शन जब सही तरीके से काम करेगा तो इस पे हमारा 180 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा। देखिए इस पे 193 बता रहा है, मतलब हमारा 193 आ गया है, मतलब हमारा पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम कर रहा है। और उसके बाद हमारा वर्टिकल सेक्शन का भी वोल्टेज चेक कर लेंगे, -15 बता रहा है, और इस पे -16 बताएगा, मतलब हमारा जो वर्टिकल सेक्शन जो होता है, वर्टिकल सेक्शन का हमारा पूरी तरह से वोल्टेज रेडी हो गया है। उसके बाद हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे, और स्क्रीन पे देखेंगे हमारा पिक्चर आया कि नहीं। देखिए हमारा पूरी तरह से पिक्चर आ चुका है, मतलब दोस्तों क्या हुआ, आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हमारा निकला। पहले तो मैंने देखा तो टीवी पे जो पावर इंडिकेटर ब्लिंकिंग हो रहा था, वो वाला प्रॉब्लम निकला। हमारा 110 वोल्ट का जो सेक्शन है उस पे 160 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है, ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो गया था, इसीलिए नया वाला कैपेसिटर लगाया। उसके बाद मैंने देखा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन तो स्टार्टिंग हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग होने के बाद भी हमारा पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल सेंस नहीं बन रहा है। तब मैंने देखा तो हमारे ये वाला 400 वोल्ट का जो पीएफ था वो साइड से क्रैक हो चुका था, इसीलिए ये वाला पीएफ भी ख़राब था, और हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हॉरिजॉन्टल सेंस पूरी तरह से बनाने नहीं दे रहा था। इसीलिए नया वाला पीएफ लगाने के बाद जो हमारा पुराना वाला पीएफ के साथ हमारा इस पे वोल्टेज था 140 वोल्ट, उस पे हमारा नया वाला पीएफ लगाने के बाद इस पे वोल्टेज आ गया है 193 वोल्ट, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पूरी तरह से तैयार हो गया है। और हमारा टीवी पे जो अप डाउन का एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा था, लंबा सा एक लाइन आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बता रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है, इसीलिए ही हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा हूँ। लेकिन अप डाउन का जो लाइन होता है वो वर्टिकल लाइन कहा जाता है, और हमारा लेफ्ट राइट का जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को शायद मैंने क्लियर कर चुका हूँ ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।